छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में हुए बागेश्वर धाम की रामकथा आयोजन को लेकर आयोजन समिति ने श्रेय लेने वाले व्यक्ति के खिलाफ दावा ठोका है। आयोजन समिति ने कहा है कि उन्होंने ही रामकथा कराई है, लेकिन कुछ लोग हैं जो अपने आप को आयोजक बता रहे हैं और लोगों का ध्यान भटका रहे हैं। आयोजन समिति ने बागेश्वर धाम आयोजन को लेकर क्या कहा, देखिए। मैंने अभी पिछले दिनों कुछ मीडिया में मैंने सुना है और देखा है कि कुछ लोगों के द्वारा जो रामकथा मेरे द्वारा एवं मेरे परिवार के द्वारा तथा मेरे सहयोगी संतोष सेन के द्वारा कराई गई थी, जिसे वे लोग बोल रहे हैं कि इस कथा को हमने कराया है, जो कि भ्रामक है, उसकी मैं निंदा करता हूँ। और यह कथा मेरे द्वारा जो कराई गई थी और इसका जो रूपरेखा मैंने बहुत पहले से तैयार कराई थी। पहले मैंने गुरुजी के पास गया, मेरे साथ में संतोष भाई थे, हम लोग जाकर वहाँ पर उनसे बात किए। बात करने के बाद उनके द्वारा टाइम दिया गया, टाइम देने के बाद फिर हमने उनसे सलाह किया। सलाह करने से बोले कि ठीक है, आप लोग रायपुर में कथा कराना चाहते हैं, आप लोग कराइए, मैं आऊँगा। फिर मैं अपने परिवार से एवं अपने दोस्त भाई संतोष सेन से मैं सलाह लिया, बात किया, तो बोले भैया मैं आपका सहयोग पूरा करूँगा और उनके सहयोग से मैं ये पूरा कथा का आयोजन कराया हूँ। आयोजक था रामकथा का और हमारे ओम प्रकाश मिश्रा जी, इस कार्यक्रम को पूर्ण रूप से ही उन्होंने ही किया है। जो आज मीडिया में जो गलत बयान दिया जा रहा है कि मैंने कराया है करके, इसका मैं खंडन करता हूँ। जो रामकथा हुआ था उसका श्री ओम प्रकाश मिश्रा जी ने ही कराया था, मैं इसका बहुत ही खंडन करता हूँ, जिन्होंने बोला कि मैंने कराया करके।